तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान का फ्लॉप बैटिंग शो। आधी टीम 141 रन पर पवेलियन लौट गई। बड़े बड़े नाम एक बार फिर से ढेर। पकड़ गए साउथ अफ्रीका ने इन घंटू का, इन फेक किंग का, इन कंजरू का घंटा बजा दिया पकड़ के 270 पे। इनकी मैं कहता हूँ मंजी ठोक दिया साउथ अफ्रीका ने पकड़ के। माइटी साउथ अफ्रीका के आगे 400 प्लस लगाने वाली साउथ अफ्रीका के आगे, 100 प्लस रन से जीतने वाली साउथ अफ्रीका के आगे घंटा, बाबर आजम 11 अपना 50 करके सारे जाते हैं, सारे चलते बन रहे हैं। जिस तरह इनको वैसे भी इंडिया में जाना नहीं चाहिए था। अच्छा। जिस तरह एशिया कप में इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान में आने के लिए। पाकिस्तानी बैटिंग से बड़े मैच में स्कोर की उम्मीद कभी ना लगाना। अभी फिर से पाकिस्तानी टीम का वो जो बेगैरताना अंदाज है ना बैटिंग का, वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी ओपनर्स ने मायूस को आगाज किया। अब्दुल्ला शफीक 9, इमाम उल हक 12 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। पकड़ गए ना ये डंडा, इनके अंदर दे दिया, जो आ रहा था डंडा लेके जा रहा था। मतलब क्या फायदा, क्या फायदा ऐसी टीम का के हार के बाद भी इन्होंने वो इंटेंट नहीं शो करनी। और आई एम सरप्राइज कि ये पूरी टीम उस घंटे से रन्स करवाने के चक्कर में है। ओ यार तू सेट है, तू चांस ले ना। रिजवान आते है, रिजवान चांस ले रहे, बाबर आजम चांस नहीं ले रहा। इफ्तिहार आ रहा है, उसे बोला है तू चांस ले, बाबर आजम ने चांस नहीं लेना। यार ये कैसे, आप कैसे सरवाइव करा रहे हैं अपने घंटे को। वो मेरे घंटे का किंग, वो नेपाली घंटा, वो नेपाल के खिलाफ रन करने वाला मेरा घंटा बाबर आजम 50 करके अपने दफा हो गया। और मेरे घंटे के किंग तू कब टीम के लिए खेलेगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 26वां मुकाबला आज यानी 27 अक्टूबर को चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम और साउथ शकील के अर्धशतक की बदौलत 46 ओवर में सभी विकेट खोकर 270 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए आज का मैच हाथ से निकलता दिख रहा है, इसीलिए पाक मीडिया भी अपने बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर सवाल उठा रही है। बाबर आजम अपनी टीम में केवल अपने अर्धशतक के लिए खेलता है और बाकी की टीम भी केवल बाबर आजम का अर्धशतक बनवाने में लग जाती है, जो कि सही बात भी है क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है और अगर पूरी टीम केवल अपने अपने लिए खेलेगी तो शायद वो कभी जीत नहीं पाएगी। और ऐसा ही पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है, जिसकी बदौलत शायद पाकिस्तान आज का भी मैच हार जाएगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पकड़ गए साउथ अफ्रीका ने इन घंटू का, इन फेक किंग का, इन कंजरू का घंटा बजा दिया पकड़ के 270 पे। इनकी मैं कहता हूँ मंजी ठोक दिया साउथ अफ्रीका ने पकड़ के। पकड़ गए ना ये डंडा, इनके अंदर दे दिया, जो आ रहा था डंडा लेके जा रहा था। मतलब क्या फायदा, क्या फायदा ऐसी टीम का के हार के बाद भी इन्होंने वो इंटेंट नहीं शो करनी। हार के बाद भी ये डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं। वो मेरे घंटे का किंग, वो नेपाली घंटा, वो नेपाल के खिलाफ रन करने वाला मेरा घंटा बाबर आजम 50 करके अपने दफा हो गया। और मेरे घंटे के किंग तू कब टीम के लिए खेलेगा। ये क्या चीज है ये यार बाबर आजम, आप तो तब चढ़ी हुई है मुझे, ये क्या चीज है बाबर आजम, शर्म नहीं है इसमें यार। कब मतलब बंदे में हया होती है, बंदे में शर्म होती है, बंदे में कोई इंसानियत होती है, ऐसी कोई चुती वाली बैटिंग करके दफा हो रहा है, 50 रन तू कर रहा है। मैं कहता हूं अपने रन करके भाई, इतने रन किधर लेके जाएगा अपने, इतने अपने रन कहां लेके जाएगा। ना आप मार्को जैनसन को खेल पा रहे हो, ना आप लुंगी अंगीठी को खेल पा रहे हो, ना आप तबरेज़ शम्सी को खेल पा रहे हो, ना आप केशव महाराज को खेल पा रहे हो, आपके इवन के एडम मार्गरम को नहीं खेल पा रहे। कहां की नंबर वन टीम रहे हो आप लोग। नहीं, नंबर वन टीमें इस तरह करती हैं, नंबर वन टीमों की ये इंटेंट होती है, नंबर वन टीमें ये करती हैं। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है ना जो भाई, बाबर आजम को कप्तानी से उतार दो, इस घंटे की बैटिंग में भी डिफेंसिव अप्रोच होती है और जिस वजह से पूरी की पूरी टीम, ओए अगर आप इंडियन पिचेस के ऊपर आके भी 300 नहीं ना कर रहे तो आपकी शक्लों के ऊपर लानत है, लानत भेजता हूं मैं
इस टूर्नामेंट में टीमें 450 कर रही हैं, 300-400 आराम बात बनी हुई है, और आप अभी वो 90s में गुस्से हुए हो, वही मेरे घंटे का किंग है ये, इसको मारो यार, चुपेड़े मारो इसकी शक्ल के ऊपर, ये लंथी किस्म का, इसने ना ना जिताना है ना, मतलब अजीब कुछ चूसण मनुष्यत किस्म की क्रिकेट खेल लेते हैं ये, मतलब को ये जो मेरे घंटे का किंग है ना, मेरे घंटे का किंग, अरे आप बाहर निकलो ना, इस घंटे का फैंस, इस घंटे का फैंस बाहर निकलो ना, आप करो इसे डिफेंड, करो ना इसे डिफेंड, जो बकवास कर रहे थे बैठ के, मेरा किंग मेरा किंग, बढ़ गए हैं भाई, किंग ये नहीं होते, किंग उस उन्हें कहते हैं किंग, वो जो बैटिंग करते हैं उन प्लेयर को किंग कहते हैं, ये जो मनुष्यत शक्लें लेके ये दुम्बे की शक्ल वाला घंटा, ये मेरा घंटा, ये मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, इसको शर्म आनी चाहिए, टुक टुक टुक, इसकी 36 डॉट वाले थे, 36 डॉट वाले, 60 वालों में 36 डॉट थी इस घंटे की, क्या मैं इसे डिफेंड करूं, क्या बात करूं मैं इसके बारे में, शर्म आनी चाहिए, वो इमामुल हक पर्ची है, वो तो चूतिया किस्म का बंदा है ना, वो तो इसका दोस्त है, दोनों मिलके टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दोनों मिलके सत्यानाश कर दिया इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का। माइटी साउथ अफ्रीका के आगे 400 प्लस लगाने वाली साउथ अफ्रीका के आगे, 100 प्लस रन से जीतने वाली साउथ अफ्रीका के आगे घंटा बाबर आजम 11 अपना 50 करके सारे जाते हैं, सारे चलते बन रहे हैं, ये टारगेट लगाया इन लोगों ने साउथ अफ्रीका के आगे, डूसन के आगे, क्लासिन के आगे, डीकॉक के आगे, एग्बमाबा के हिसाब से उन्होंने टारगेट लगाया, साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों के हिसाब से टारगेट नहीं लगाया यार, ये टारगेट है, ये चेन्नई की पिच नहीं है, इतनी अच्छी जबरदस्त किस्म की पिच आ रही है, आप इस पे ये रन्स कर रहे हो तो सोचो साउथ अफ्रीका कितने करेगा, अब बाबर आजम को ही देख लो यार, इस पूरे टोले को देख लो, अब्दुल्ला शफीक की इंटेंशन चेक करो, आप इमामुल हक का स्ट्राइक रेट चेक करो, आप बाबर आजम घंटे का चेक करो, आज फिर अपना 50 किया गया, और आई एम सरप्राइज कि ये पूरी टीम उस घंटे से रन्स करवाने के चक्कर में है, ओ यार तू सेट है, तू चांस ले ना, रिजवान आते रिजवान चांस ले रहे, बाबर आजम चांस नहीं ले रहा, इफ्तिहार आ रहे उसे बोला है तू चांस ले, बाबर आजम ने चांस नहीं लेना, यार ये कैसे आप कैसे सरवाइव करा रहे हैं अपने घंटे को, अपने कप्तान के 50-50 रन्स भी पूरी टीम करवा रही है यार, 65 बाल 50 और 50 करते ही चलते हो गए यार, ये क्लास है, ये टेंशन है आप लोगों की, और फिर आपके साथ ऊपर वाले ने यही करना है यार, एक सब मतलब ये किस किस्म की क्रिकेट थी यार, जब मिराज लेफ्ट आर्मर है, जब शमसी लेफ्ट आर्मर है, आप नवाज को भी ऊपर भेजो, आप सऊद शकील को भी ऊपर भेजो कि यार ऊपर जाओ तुम लोग लेफ्ट आर्म को काउंटर करो, और तुम लोग लेफ्ट आर्म को काउंटर करने के लिए इफ्तिहार को बेच रहे हो, और वो इफ्तिहार ने आगे से क्या किया है, और खुद क्या कर रहे हो यार, ये तुम लोग जाने के लिए हो काबिल सेमीफाइनल में, ये हमारी टीम इस काबिल है यार, आज ही था यार, अच्छा टोटल लग रहा है, ये लग रहा है ये पिच तगड़ी है, ये 400 वाली पिच है यार, जिस पिच पे बाबर आजम 65 बाल 50 बना दे, इमाम का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे, अब्दुल्ला का 100 से नीचे, समझ जाओ उस पे वो कितनी फेंटी लगाएंगे, वो कितनी बैंड बजाएंगे यार, राज टाटा बाय बाय होने वाला है, अगर इंसान के बच्चों वाली बॉलिंग ना की, रन फिर थोड़े से हैं, अगर रन हैं थोड़े से, चलो जैसे बनाए बाबर आजम ने अपनी जारी पक्की करने के लिए बनाए, जगह पक्की करने के लिए बनाए, क्योंकि गिल के साथ 6 पॉइंटों का फर्क रह गया, अब ये लोग तो रैंकिंग करके टीम रह गए खेलते हैं, 6 पॉइंटों का फर्क को कवर करने के लिए 50 फिर आ गया बाबर आजम का, टीम वाली परफॉर्मेंस नहीं आएगी, टीम वाले रन सिर्फ सऊद शकील के थे, सिर्फ नवाज के थे, उसके अलावा किसी ने टीम के लिए रन नहीं किए, सब अपने रन अपने रन अपने रन यार, उसके अलावा किसी ने अच्छे रन नहीं किए यार।